तो फिल की फैमिली ना सिर्फ आज हम लोग बहुत टाइम के बाद रॉयल रंबल मैच करने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ जॉन सीना ये वाले रॉयल रंबल की ओपनिंग करने जा रहे हैं, यानी कि सीना एक नंबर से आएंगे। और इससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में हंसना स्टार्ट कर दो, और इससे पहले अभी आप लोग कमेंट करने लगे भाई सीना तुरंत एलिमिनेट हो जाएंगे, रुक जाओ पहले ये मैच देख लो। और मैं बता रहा हूँ कि आज के मैच पे जॉन सीना ना सिर्फ आखिरी तक जाएंगे बल्कि ये वाला रॉयल रंबल जीतेंगे भी, और वो फर्स्ट सुपरस्टार बनेंगे 2K24 के जो एक नंबर से आके जीते हैं। और आज देख लेना, आज कमेंट सेक्शन भरा होगा इस बात से कि भाई जॉन सीना ने आज जो खेला है ना, इतना अच्छा 2K24 की किसी सुपरस्टार ने अभी तक नहीं खेला, चाहे वो रोमन ही क्यों ना हो। रोमन हाँ बहुत मैचेस जीतते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज एक नंबर से, अरे सीना स्टार्टिंग में मार खा रहे हो भाई, मैंने बहुत बोल दिया है। सीना इज्जत रख लेना मार खाने लगे। सीना कोई बात नहीं, मन में है विश्वास, सीना ही जीत के जाएंगे, वो भी एक नंबर से। रे एलिमिनेट हो जाओ ना, नालायक बेटा घर पे बैठा, उसको सुधारो जाके। क्या करना है रॉयल रंबल जीत कर, पढ़ाई करो, आइए भाई ये बनो यार, देश की सेवा करो, क्या कर रहे हो आप। सीधा इस मैच में आंद्रे द जायंट, ब्रॉक लेसनर, ये सब है, और आप अंडरडॉग, अल्टीमेट अंडरडॉग से मार खा रहे हो रे मिस्टेरियो से। सीधा क्या कर रहे हो, स्टार्टिंग में मार खा जाओगे फिर कैसे चलेगा ये। कहीं रे उस दिन का तो बदला नहीं ना ले रहे, याद है रे एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर नायक मूव में अनिल सर बने थे, लेकिन रे मिस्टेरियो एक दिन के लिए WWE चैंपियन बने थे जॉन सीना की वजह से, क्योंकि सीना ना सिर्फ रिटर्न आए बल्कि बेचारे जो रे मिस्टेरियो WWE चैंपियन बने थे एक दिन भी नहीं, कुछ घंटों के लिए रॉ के मतलब ऑलमोस्ट एंड टाइम तक बने थे रे, और फिर सीना आकर जीत गए और सीना बन गए फिर से WWE चैंपियन और CM Punk रिटर्न आ गए। तो उस दिन का बदला ले रहे हो क्या रे। फिलहाल में ये देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, आते के साथ द गोट स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को बिना रिवर्स किए, हाँ ठीक है रे ने एक रिवर्स कर दिया था ये, लेकिन स्टोन कोल्ड ने रिवर्स नहीं किया है। और सीना के नाम पहला एलिमिनेशन, मैंने क्या बोला था भाई, आज कमेंट सेक्शन भरने वाला इस बात से कि सीना ने बहुत अच्छा खेला है। सीना पूरा रिंग खाली कर दो आज एकदम फायर होना चाहिए रिंग में सिर्फ। सीना फैंस आज अच्छा लग रहा था, मेरी तरह आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, ऐसी कॉन्फिडेंस रखना चाहिए रे के पास, भली दो फिनिशर है और रे कुछ ज्यादा ही मार रहे रे। ठीक है मारो, लेकिन एलिमिनेट मत कर देना रे, अगर एलिमिनेट किया ना तो डोमिनिक से बोल के फिर अटैक करवा दूंगा, याद है बेटा तो ऐसे भी नालायक निकल ही गया है और उसको अटैक करने का मौका ही चाहिए रे। क्या कर दिया 3-2-1, क्या कर दे, ये क्या करने लगे गंदे इशारे, एक तो एलिमिनेट करते हो जॉन सीना को, ये पता नहीं क्या उल्टे सीधे इशारे करके चले गए। रे मिस्टेरियो फैमिली फ्रेंडली चैनल है, देखना बदला मेरा भाई, कोई कमेंट नहीं करेगा सीना के बारे में, कोई कमेंट नहीं करेगा, जाने दो, भूल जाओ मैंने 2 मिनट पहले क्या बोला था भाई, भूल जाओ, ऐसा हो जाता है, गलती आदमी से हो जाता है, बड़ा चढ़ा के बोल देता है। 2 मिनट पहले मैंने जो भी बोला वो सब भूल जाओ, मैच अब शुरू होता है और मेरे फेवरेट सुपरस्टार आज से रैंडी ऑर्टन है। रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट करो रे को, ये बात इसीलिए मेरे फेवरेट है। सीना कौन है, सीना मैं भूल गया कि सीना कौन है, मैं गजनी बन चुका हूँ, मैं रैंडी ऑर्टन का फैन हूँ भाई, RKO देखता हूँ, मजा आता है देख कर, देखो अभी ये होता है बात भाई, ये होता है, इसलिए मेरे फेवरेट सुपरस्टार है बचपन से लेकर आज तक, मेरे फेवरेट वन एंड ओनली द लेजेंड किलर, द वाइपर, द स्टाइल आइकॉन, ये नाम मैंने दिया है क्योंकि बहुत स्टाइल मार रहे हैं रैंडी ऑर्टन। लेकिन ओ बाप रे बाप, आंद्रे द जायंट सर इतना फुल स्पीड में क्यों दौड़ते हुए आ रहे हैं, आंद्रे सर आराम से आप आ सकते हो, लेकिन ठीक है सर, रेस्ट इन पीस। रैंडी ऑर्टन एलिमिनेट होने वाले हो, ऑर्टन बहुत सारे रॉ रंबल जीतते हैं, लेकिन ये वाले रॉ रंबल में क्या हो रहा है, 1-on-1 चल रहा है रॉ रंबल भाई, ये रॉ रंबल मैच है या गॉन्टलेट एलिमिनेटर है। ऑर्टन भी बाहर, आज से मेरे फेवरेट आंद्रे द जायंट भाई, क्यों नहीं आंद्रे द जायंट, आज से जो जीतेगा रॉयल रंबल वो मेरा फेवरेट है। चलो फिलहाल मेरे फेवरेट आंद्रे द जायंट है, लेट्स गो आंद्रे सर, अंडरटेकर भी पीछे से आ रहे हैं ना, एड में होना चाहिए, लेट्स गो टेकर आंद्रे सर, लेट्स गो टेकर। टेकर सर क्या करने वाले हो, 3 फिनिशर, टेकर के पास ये तीसरा वाला फिनिशर क्यों आया हुआ है, ये वो ऐड नहीं था एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, तो टेकर सर को ये एक्स्ट्रा फिनिशर उसी लिए मिला है क्या, मतलब कुछ किया भी नहीं अभी तक, मतलब मार भी खा रहे हो सर आप, तीसरा फिनिशर कैसे आ गया आपके पास, मतलब आया नहीं है, ऑलमोस्ट एक दो बार और मारेंगे, आ ही गया है आंद्रे सर आपका एक फिनिशर से, तो ऑर्टन को बाहर किया था ना, मेरे फेवरेट आंद्रे सर है जब तक वो एलिमिनेट नहीं हो जाते, एलिमिनेट जैसे हुए मेरा भाई फेवरेट चेंज होगा आज, पता नहीं आज कितना बार चेंज होगा। ब्रॉक लेसनर भी ये मैच में, ब्रॉक के फैंस टेंशन मत लो, मैंने कवर किया हुआ है आप लोगों को, ब्रॉक है मैच में, अब कितने पाएंगे ये नहीं पता, हो सकता है कि जस्ट इसके बाद ही आ जाए, हो सकता है कि एकदम एंड तक आए, और कभी कभी रॉयल रंबल का ग्लिच जानते हो ना, बहुत लोग आते भी नहीं है तो ये वाले ग्लिच भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रॉक को मैंने लिया इतना मुझे पता है, ब्रॉक भी है, रोमन भी है, आर्ट ट्रूथ भी है मैच में, तो ये लोग सब बचे हुए हैं अभी भी।
चलो अब ये लगेगा थोड़ा रॉयल रंबल मैच टाइप का, तीसरा आदमी आने वाला है, पर कम से कम चार पांच आदमी रहे तो ज्यादा अच्छा। रॉयल रंबल वाली फील नहीं आ रही है, फिनिशर इन लोगों को देना अच्छा नहीं है, पर फिनिशर नहीं भी दूं ना तो ये लोग क्या करेंगे ना कि रिंग को कॉर्नर में रख के क्लोज लाइन मार के बाहर कर देंगे। आर्ट्रूथ क्या करते जा रहे हो आज से मेरे फेवरेट, देखो भले वो वाले सीना नहीं लेकिन ये सस्ते सीना आर्ट्रूथ ये देगा। अब वो सीना नहीं जीते तो क्या हो गया, मैंने बोला था सीना जीतेंगे, ये नहीं बोला था कि सीना का सस्ता कॉपी नहीं जीत सकता, तो जीत सकते आर्ट्रूथ भी। देखो शॉर्ट्स देख लो आर्ट्रूथ का, जूता देख लो आर्ट्रूथ का, स्टाइल पूरा है। तो मैं तो भाई आर्ट्रूथ का फैन हो चुका हूँ, अब आर्ट्रूथ जीतेंगे ये वाला रॉयल रंबल। आज एक कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा, मैंने वादा किया था स्टार्टिंग में कि कुछ आपको यूनिक देखने मिलेगा। सीना के बारे में कुछ बोला था ना, ना, ना मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं वो सब भूल जाओ, जो भी स्टार्टिंग में बोला ना वो भूल जाओ सब। टेकर को भी फिनिशर लगा दिया, आर्ट्रूथ फिनिशर लगा रहे हो अच्छा कर रहे हो, पर याद है ना एलिमिनेशन मैच है और टेकर सर के पास तीसरा फिनिशर भी आने वाला है और एक सिग्नेचर भी। पता नहीं इतने इतना सिग्नेचर फिनिशर टेकर सर रखे हुए क्यों है, सर लगाओ सुपर फिनिशर फिनिशर। तीन आदमी लोग और आने बाकी है, पता नहीं ओ सबके बारे में तो पता ही है कि कौन कौन लोग। आर्ट्रूथ मेरे फेवरेट नहीं रहे, टाटा नहीं 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 आर्ट्रूथ अभी मेरे फेवरेट है, अच्छे आदमी है। आठ नंबर पे तो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो ज्यादातर मैच जब से अपडेट हुआ है 2K24 ज्यादातर जो भी मैच पे रहते हैं 99% मैच रोमन ही के हाथ में रहता है। वो आठ पे आए, दस पे आए, ये देखो स्टार्ट हो गया, पर कोई बात नहीं, नौ और दस अभी भी स्लॉट खाली है और ब्रॉक लेसनर आने अभी भी बाकी है। और रोमन के लिए एक और खास सरप्राइज भी है जो अभी तक नहीं आया है, मुझे लगा था पहले आ जाएंगे। चलो अच्छा है, रोमन को टफ टक्कर मिलेगी, अगर रोमन जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, पर आंद्रे सर को बाहर कौन करेगा ये देखना है, मेरे बचपन के फेवरेट आंद्रे द जायंट सर को कौन बाहर करेगा। टिकर के पास सुपर फिनिशर है लेकिन यूज नहीं कर रहे टिकर सर, यूज करना चाहिए, इतना बचा के रखो सर, बाहर ही हो जाओगे आप डायरेक्ट, ऑलमोस्ट बाहर होते होते बचे हैं भाई। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि रॉयल रंबल मैच हो रहा है, वरना अभी तक तो वन ऑन वन हो रखा था। फिर से टिकर सर नहीं 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 वन ऑन वन नहीं बनाना, थोड़ा और जाने दो ना डीप, दो चार आदमियों को, दो ही आदमी तो बच गए। ये देखो रोमन को जब मौका मिलता है छूटते के साथ टिकर को स्पीयर चिपका दे रहे हैं, लगता है टेकर के एलिमिनेशन होने वाला है। नौ नंबर पे रोमन के लिए सरप्राइज था, मैंने बोला था नौ नंबर पे शील्ड का कपड़ा पहन के सेथ चालू रॉलिंस, तीन आदमी से ज्यादा रिंग में रह ही नहीं रहे, लेकिन लास्ट वाले आदमी अगर ब्रॉक आ गए तो भाई चार आदमी रहेंगे रिंग में। ये आई थिंक फर्स्ट टाइम होगा पूरे मैच में, पूरे मैच ऐसा रॉयल रंबल है कि चार आदमी तक नहीं रहे, तीन ही में कोई ना कोई एलिमिनेट ही हो जा रहा है। टिक के रहो। शील्ड ने रियूनाइट ताकि आंद्रे सर मेरे फेवरेट को बाहर कर पाए। अरे रे रे रे, भले रोमन ने अभी इस मैच के लिए सेट से दोस्ती कर ली है पर आंद्रे सर को अभी भी एलिमिनेट करना मुश्किल होगा। देख रो सिर्फ हेड येलो हुआ है, गलती से आंद्रे सर 10 नंबर पे आ जाते तो 99% ओ सेट ने बाहर कर दिया। लो रोमन सेट ने बाहर कर दिया और अब खतरा बढ़ चुका है रोमन के लिए। जो जो मैच रोमन का जीतने का रहता है जानते हो ना, वो ऊपर से ऐसा कपड़ा भी पहन लिया है सेट ने, इसी कपड़े में तो आंधी आई थी याद है ना रेसलमेनिया, इसी कपड़े की वजह से सारा कांड हुआ है। ये जो शील्ड का अटायर है तो अब यही कहीं रोमन पे भारी नहीं पड़ जाए, और आज तो लुक भी पुराना ही है, ये जवान वाले सेट है। और लास्ट बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर, जो कि आजकल थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है वाले ब्रॉक, पर देखो आज हो सकता है, आज नया दिन है, हो सकता है कुछ अलग देखने मिले। फिलहाल रोमन इतना अच्छा खेल रहे थे पर सेट के आने के बाद से थोड़ा झोल हो गया, ब्रॉक छोड़ देते ना, रोमन और सेट को लड़ने देते, देखते एक आदमी जो बचता उसको लास्ट। अरे मेरे फेवरेट एलिमिनेट हो गया ना, तो मेरा न्यू फेवरेट ब्रॉक को बोल दूं, पर ब्रॉक आजकल अच्छा नहीं खेल रहा भाई, एलिमिनेट हो जाएंगे। रोमन बोल देता हूं, रोमन बहुत अच्छा खेलते हैं पर रोमन हार गया भाई, सब मुझे बहुत पनौती बोलेंगे कि भाई तेरा जो भी फेवरेट था सब एलिमिनेट हो गया। चलो चलो रोमन फेवरेट, रोमन मेरी नैया को पार लगाएंगे, इज्जत गिरने से बचाएंगे। रोमन आज तो फुल सपोर्ट है रोमन, कोई है भी नहीं मैच में ब्रॉक सेट रोमन, ब्रॉक को मैं करता लेकिन ये वाले ब्रॉक का थोड़ा झोल है इसलिए मुझे फुल कॉन्फिडेंस नहीं ये ब्रॉक के ऊपर। और सेट मनुष्यत लगाते हैं लेकिन ब्रॉक भी तो आ गया है ना मैच में, वरना सेट और रोमन में मैं सेट को बोलता क्योंकि रोमन का कुछ ना कुछ मनुष्यत लगा देते। ये देख लो शील्ड फिर से रियूनाइटेड, अरे ये तो रेसलमेनिया 31 हो गया, मुझे याद ही नहीं था। रोमन सेट ब्रॉक तो मेरे फेवरेट यार, ऑल टाइम ग्रेट। रोमन ने लगा दिया सुपरमैन पंच और एक स्पीयर, सेट का टाटा, सेट इसके बाद तो टाटा हो ही जाएगा अगर लग गया तो। सेट रिवर्स बटन होता है जो कि शायद सेट के पास नहीं है और ब्रॉक जब तक उठेगी नहीं, आज सेट की भी मनुष्यत काम नहीं आ रही है और मेरी मनुष्यत भी काम नहीं आई लगता है रोमन के ऊपर। रोमन जीत रही है मैच अगर ब्रॉक ने नहीं, अरे इसके बाद तो सेट यार अच्छा नहीं लगा सेट, मतलब ठीक है थोड़ा सा टक्कर देना चाहिए, भले ही हार जाओ रोमन से वो अलग बात है। रोमन बैक टू बैक दो अली बार ब्रॉक कुछ तो करते,
अभी भी रिवर्सल का चांस था लेकिन नहीं किया है। द ट्राइबल चीफ मेरे फेवरेट, देखा मैंने बोला था ना मेरे फेवरेट जीतेंगे और मेरे फेवरेट द ट्राइबल चीफ जीत चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बताना जॉन सीना की परफॉर्मेंस आज कमाल की थी कि नहीं, कमेंट सेक्शन में भर दो ताकि जो लोग भी सिर्फ कमेंट सेक्शन देख ले उनको ऐसा लगे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था वो सही हो गया। तो कमेंट सेक्शन ऐसे ऐसे भर दो ना कि सब कंफ्यूज हो जाए मैच देखने के बाद। और इसी मस्ती मजे के साथ मिलेंगे हम लोग कल नई वीडियो के साथ। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब करना।